हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज़ कैंसर ऑफ लंग्स, ओके, जिसको हम ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा भी बोलते हैं. सो हम डिजीज़ कंडीशन पढ़ रहे थे कैंसर्स का, ओके. सो ये है कैंसर ऑफ लंग, ओके. तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में. लंग कैंसर इज़ अराइज फ्रॉम ट्रेक्यो ब्रोंकियल एयरवे, ओके. यानी कि जो लंग कैंसर है वो अराइज होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में फ्रॉम ट्रैकिया, ठीक है. ट्रैकिया और ब्रोंकाई होता है, उसकी एयरवे से जो लंग कैंसर है वो एंटर होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ओके. द कार्सिनोजन कॉल्ड स्मोक, गैस एंड सिगरेट डैमेजेस द सेल एंड कॉजिंग एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ओके. तो जो कार्सिनोजन है, जो लंग कैंसर का जो कार्सिनोजन है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्मोकिंग, गैस, सिगरेट. दैट डैमेज द सेल, ओके. इसकी वजह से क्या होता है, सेल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है. एंड ट्यूमर का क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है इन लंग्स, ओके. सो दिस इज़ हाउ कैंसर ऑफ लंग्स टेक प्लेस इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन लंग्स, ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर, ओके. सो रिस्क फैक्टर क्या है, कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि इसके जिसको कि लंग कैंसर हो सकता है, ओके. तो फर्स्ट इज़ पैसिव स्मोकर. पैसिव स्मोकर क्या होता है, कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकर बोलते हैं उसको, ओके. देन स्मोक, ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसमें जो कार्सिनोजन होता है, ठीक है, उसमें जो सिगरेट के अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो भी उसमें ड्रग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्सिनोजन हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है. थर्ड इज़ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब कि जैसे कोई फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर लंबे टाइम तक हम काम करें तो चांसेस है कि लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसका जो इनहेलेशन है, ओके, गैस का इनहेलेशन है, वो डायरेक्टली हमारे लंग के अंदर जाता है इसीलिए. देन जेंडर एक कारण हो सकता है, ओके. सो जेंडर भी एक कारण हो सकता है, यानी कि मेल में ज़्यादा कैंसर जो कार्सिनोमा ऑफ कैंसर ऑफ लंग है वो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन फीमेल, ओके. जैसे मेल में अगर मेल के अगर चार लोगों को अगर कैंसर है, कैंसर ऑफ लंग है, तो उसमें से सिर्फ एक ही वुमेन होगी जिसको कैंसर ऑफ लंग होता है, ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. जीन्स के थ्रू भी पॉसिबिलिटी है कि हमें लंग कैंसर हो सकता है. देन डाइट्री डिफेक्ट्स. डाइट्री डिफेक्ट्स मतलब कि खाने के शेड्यूल में बराबर ना होना, या फिर कुछ बाहर के पैकेट्स खाना, वो भी एक रीज़न हो सकता है. एंड लास्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है. तो टीबी, जिस भी पेशेंट को अगर टीबी है तो उसमें भी पूरा चांसेस होता है उसको कि वो उसको लंग कैंसर हो, ओके. तो ये सारा क्या है, रिस्क फैक्टर, यानी कि मोस्ट आइडेंटिफाइड लोग हैं जो कि इसके एक्सपोजर में आते हुए कैंसर से, लंग कैंसर से पीड़ित होते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, ओके. सो साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर क्या है, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ये, अच्छा ये है सीएम क्या है, सीएम इज क्लासिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओके. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसको हम साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं. तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है, कफ, ओके. कफ यानी कि अगर कफ मोर देन 3 वीक हो तो हमें जाकर के चेकअप करवाना होता है. एंड पॉसिबिलिटी होती है कि कफ की वजह से क्रॉनिक कफ, यानी कि लंबे टाइम तक अगर किसी को कफ हो तो उसको लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है. देन लंग कैंसर की वजह से क्या होगा, डिस्पनिया होगा. डिस्पनिया मतलब कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, ओके, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. फिर हीमोप्टाइसिस. हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि स्पूटम में उसके साथ ब्लड की कंटीजेंसी होती है, ठीक है. तो हीमोप्टाइसिस मतलब कि ब्लड इन स्पूटम, ओके. देन चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर साइन एंड सिम्टम है. देन होर्सनेस ऑफ वॉइस. होर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब कि जो वॉइस होगा वो क्या होगा, वो जैसे कि हॉर्स की आवाज़ होती है, ठीक है, वैसे ही कुछ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम होर्सनेस ऑफ वॉइस, ओके, खराश वाली आवाज़ होती है. देन नेक्स्ट इज डिस्फेजिया. डिस्फेजिया क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ओके, यानी कि स्वॉलो करने में, कुछ भी खाने को निगलने में, पानी को निगलने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, ओके. देन वीकनेस. देन एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया है कि भूख ना लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट.
देन वेट लॉस, ओके, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है इन लंग कैंसर. ओके, नाउ साइन एंड सिम्टम हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ लंग कैंसर. ओके, इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक मेथड क्या क्या होता है, किसके थ्रू पता चलता है कि पेशेंट को लंग कैंसर है. ओके, सो फर्स्ट डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, चेस्ट एक्सरे. ओके, हम अगर एक्सरे करवाएं तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि पेशेंट को लंग कैंसर है. दूसरा सीटी स्कैन. सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, सीटी का फुल फॉर्म. कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि सीटी स्कैन करवाएं तो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं PFT टेस्ट. ओके, PFT टेस्ट हम कब करवाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि लंग कैंसर या फिर TB है. ओके, तो TB में भी हम क्या करते हैं, PFT करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. ओके, देन बायोप्सी. बायोप्सी कहाँ से कैसे लेंगे, लंग्स में से एक टिश्यू का सैंपल लेंगे, टुकड़ा लेंगे, फिर उसको एग्जामिनेशन के लिए हम लैब भेजेंगे. ठीक है, इस तरह से बायोप्सी होगी. ओके, देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा लंग कैंसर का, तो जो लंग कैंसर का जो मेडिकल मैनेज है वो डिपेंड करता है स्टेज ऑफ कैंसर पे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर लंग कैंसर का जो स्टेज है वो थर्ड, ओके, थर्ड स्टेज पे है और मे बी फोर्थ स्टेज पे है, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा. ओके, होगा. ओके, तो इसके डिपेंड करता है स्टेज ऑफ कैंसर पे. नेक्स्ट क्या है, उसकी सर्जरी. ओके, अगर लंग कैंसर के टाइम पे अगर सर्जरी हो गई है देन प्रिफरेबली ऐसा हो सकता है कि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाए. देन रेडिएशन थेरेपी. ओके, रेडिएशन थेरेपी में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या सिर्फ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी ही देंगे. ओके, नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट. सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, हमें एज अ नर्स रोल ऑफ नर्स क्या होगा इन लंग कैंसर. ओके, सो रोल ऑफ नर्स इन कैंसर. ओके, सो फर्स्ट रोल ऑफ नर्स क्या है, मैनेज द सिम्टम्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ डिस्फेजिया एंड एनोरेक्सिया. ओके, जो पेशेंट को जो सिम्टम्स होगा जैसे डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब कि डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, या फिर एनोरेक्सिया मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, तो इस सिम्टम्स को हमें मैनेज करना है. कैसे, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना है कि वो फ्लूइड ले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले, खाने में अच्छे बैलेंस डाइट ले. ओके, जूस सब कुछ ले. देन ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, हमें रिलीव द ब्रीदिंग. ओके, यानी कि पेशेंट का जो ब्रीद है उसको प्रॉब्लम है अगर उसमें, तो उसको हमें रिलीव करना है. कैसे, पेशेंट का सिक्रीशन करके. ठीक है, पेशेंट का जो अगर कफ की जमा हो गया है अगर नेक में, ठीक है, तो उसको हम क्या करना है, क्लियर करना है, तो रिमूव द सिक्रीशन. नेक्स्ट इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. पेशेंट को क्या करवाना है, हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना है, उसे बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइज करें. ओके, देन चेस्ट फिजियोथेरेपी. चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या होगा, जो कफनेस होगी जो लंग्स की, वो क्या होगी, रिलीव होगी. ओके, और पेशेंट की ब्रीदिंग में थोड़ा सा रिलीव मिलेगा उसको. देन लास्ट इज सक्शनिंग. सक्शनिंग क्या होता है, एक हॉस्पिटल में एक ऐसा चीज़ होता है जिससे कि हम पाइप के थ्रू उसके गले में डाल करके जितना भी कफ होता है उसको निकाल लेते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम सक्शनिंग. ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो पेशेंट का फटीग है, उसको थकावट है या कोई वीकनेस है, उसको क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीव करना है. ओके, उसकी जो वीकनेस है उसको रिलीव करना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट. पेशेंट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है. कैसे, पेशेंट से बातें करके, उसका प्रॉब्लम पूछ करके, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे करके. ओके, पेशेंट को फ्री फील करवा के. ठीक है, तो हम ये सब कुछ पेशेंट के लिए कर सकते हैं इन नर्सिंग मैनेजमेंट. ओके, सो ये सब, ये क्या था, ये पूरा था लंग कैंसर था. ओके, थैंक यू.